दोस्तों, मेरा नाम है वसीम पठान। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। हमारा चैनल अक्सर करके गवर्नमेंट की योजना के ऊपर चर्चा करता रहता है और गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में आप लोगों को गाइड करता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान जन आरोग्य योजना के बारे में। आज की वीडियो में हम इस योजना के बारे में चर्चा करेंगे, इस योजना में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक किया हुआ है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज यहाँ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, देश भर में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में करीब 5 करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं होता तो इन गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बीमारी का दोस्तों, आयुष्मान जन आरोग्य योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली योजना है, यानी कि ये योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये योजना 10,000 करोड़ की बजट से बनाई गई है। इस योजना में 10,74,00,000 फैमिलीज इसमें कवर की जाएंगी। इस योजना में 10,74,00,000 फैमिली कवर होंगी। इस योजना में जो बीमा राशि है 5 लाख रुपया पर सालाना बीमा दिया जाएगा। मरीज का इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स और उन प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाएगा जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस योजना में लिस्टेड कर रखा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड का होना ज़रूरी है। आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे बनता है और कैसे अप्लाई करना है। गवर्नमेंट ने उसके लिए भी वेबसाइट बना रखी है। हम इस योजना पे चर्चा कर रहे हैं, हम आगे फिर से इसके ऊपर बात करेंगे। आपको एक अलग से वीडियो दे दी जाएगी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। दोस्तों, ये थी योजना, जो योजना मैंने आपको बतानी थी, इसमें कौन सी फैमिलीज कवर होंगी और कैसे लोगों को इसमें लाभ मिलेगा और कितने लाख का इसमें बीमा दिया गया है। ये मोदी की गारंटी वाला कार्ड है। आइए दोस्तों, इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट भी देखते हैं। स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे जो छोटे जगह, जैसे मैं अमरकंटक के पास अनूपपुर में मेरे फादर पोस्टेड है, तो वहां पे मैंने देखा है गाँव में जाकर, सर वहाँ पे अस्पताल है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। ट्राइबल्स के लिए बोलते हम इतना काम करते, कोई काम नहीं होता। सर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है जिला, उसके बावजूद वहाँ पर शायद 20-25 साल से 1-2 डॉक्टर है जो ढंग के। मेडिकल के क्षेत्र पे इतनी बिगड़ी हुई हालत है, इतनी बिगड़ी हुई, और ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ ढिंढोरा है सर, सिर्फ ढिंढोरा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए नहीं है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मेरे डॉक्टर साहब है, मेरे सीनियर है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके 10 करोड़ रुपए पेंडिंग है आयुष्मान से। क्यों वो करेंगे किसी का इलाज? लोन लेके उन्होंने अस्पताल खोला, 2 साल कोविड में उन्होंने पूरा उन्होंने जो आयुष्मान का वो था उसका फायदा दिया, उन्होंने काम करा, लेकिन अभी तक उनका लोन गवर्नमेंट ने जो वो सॉरी दोस्तों, आपने देखा क्या किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। ऐसी ये अकेली योजना नहीं है दोस्तों, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने ऐसी लाई है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक के प्रॉपर नहीं हो पाया है। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ बोलती है,
और सरकार कुछ बोलती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सरकार को निराशा करें या सरकार को हम कोई ऐसा योजना की आलोचना करें, हमारा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि योजना अच्छी है, बड़ी योजना है, लोगों के लिए बनाई गई है, जनहित में बनाई गई है। क्या ये योजना उन लोगों को मिल पा रही है जिन लोगों के लिए 2011 में एक सर्वे किया गया, जनगणना की गई, और एक इतनी बड़ी जनगणना के बाद में वहाँ से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग थे उनको सिलेक्ट करके बाहर निकाला गया और उनके लिए इस योजना को डेवलप किया गया, क्या उस व्यक्ति तक के ये योजना पहुँच पा रही है? ये सवालिया निशान है। इस वीडियो में जो महिला बता रही थी उसने साफ साफ आयुष्मान कार्ड को कचरे के डब्बे में फेंक देने वाला कार्ड कहा है। तो ये सरकार पर एक सवाल है, क्या सरकार इस सवाल को ख़त्म करने के लिए कोई कड़े एक्शन लेगी? क्या इस तरह के हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो ऑलरेडी लिस्टेड होने के बाद में इलाज देने से इनकार करते? आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर हम दोबारा किसी योजना के ऊपर चर्चा करते हुए मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।